जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। अरे क्या जरूरत है बोतल से पिलाने की? तुम्हें दूध तो पूरा उतर रहा है ना, तो फिर तुम भेजना अपने आदमी को मेरे पास। पता नहीं किसने उसे ये बोतल की पट्टी पढ़ा दी है। सुनो एक बात अच्छी तरह गांठ बांध लो, बच्चों को 3-4 महीने तक माँ के दूध के सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता। इससे बच्चा तंदुरुस्त भी रहता है और कई तरह की बीमारियों से बचता है। माँ का दूध आसानी से पचता भी है और पेट भी नहीं बिगाड़ता। उल्टे जो लोग बोतल से पिलाते हैं ना, उन लोगों के बच्चों को तरह तरह की बीमारियां लगी रहती हैं, क्योंकि बोतल की जितनी अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए उतना झंझट तो कोई करता नहीं। हाँ अगर किसी वजह से माँ को दूध नहीं उतरे या कम उतरे तो दूसरी बात है, तब हम ऊपर का दूध उबाल के मलाई हटा के पिलाने के लिए कहते हैं। तुम्हारे साथ तो ऐसा है ही नहीं, तो तुम अपना दूध ही पिलाना। हाँ और कोई परेशानी हो तो जरूर आ जाना। बहन जी नमस्ते। अरे कब आए? अभी अभी आए। अच्छा अच्छा लाला कैसे है? ठीक है। मेरी लाली तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा तो बहन जी मैं अब जाऊँ? हाँ अपने आदमी को मेरे पास भेज देना, मैं समझा दूंगी उसे। अच्छा बहन जी राम राम। अच्छा अब बैठ। बड़े हैं गए आज तेरे वो नहीं आए? श्रीमान चिंता मत ना करो। उन्हें छुट्टे ना मिली, देवर आया मेरे संग। राम राम बहन जी। राम राम। आप बैठो। नहीं जी ठीक है, आप चिंता मत ना करो। अरे इसको भी अपने भाई की आदत है ये कहने की। इनके यहाँ तो सभी जे कहते रहे हर बात में चिंता मत ना करो। अच्छा आओ बैठो। बच्ची तो ठीक है ना? हाँ जी आपकी कृपा से फर्स्ट क्लास है। वो 6 हफ्ता की है गई है ना, सो डिपटी का पहला टीका लगवाने लाए हैं। क्या इतनी दूर से टीका लगवाने लाए हो? क्यों तुम्हारे गांव में तो है सब सेंटर? नहीं जी वो अगले गांव में है। फिर भी कहां एक गांव का फासला और कहां 10-12 मील का सफर। बहन जी भाई साहब को आप पर बड़ी श्रद्धा हैगी है, वहां सबको आपके बारे में बतावे और खास हिदायत करी कि यही लाना है भाभी को। क्यों मुझमें ऐसा क्या है? जो टीका मैं लगाऊंगी वो वहां भी लग जाता। तुम्हें इतनी दूर आने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी, इतने छोटे बच्चों को लेकर इस तरह धूल में सफर करना। आपने भली चिंता करी, अच्छी तरह लपेट कर लाए हैं बच्चे को। फिर भी धूल तो गई होगी। धूल से कुछ ना होया बच्चों को, आप देखना जरा बड़ी होवेगी ना तो मुट्ठी भर भर के मिट्टी खावेगी, बच्चों को कुछ ना होवे। बहन जी आप चिंता मत ना करो। अच्छा अच्छा बच्ची मिट्टी खाएगी और तुम देखते रहोगे? हाँ ऊपर से मुझे कहते हैं आप चिंता मत ना करो। बसंती मिट्टी हरगिज मत खाने देना, मिट्टी खा के जाने क्या क्या बीमारियां लगती हैं बच्चों को। अच्छा जी बीमारियां लग जावे? और क्या मिट्टी भी कोई खाने की चीज है? जाने क्या क्या गंदगी होती है उसमें, कितने रोगों के कीटाणु बच्चों के पेट में जाते हैं। बिल्कुल मत खाने देना जी। वो हमारे उधर तो क्या? तुम्हारे उधर मिट्टी खाने को भी अच्छा बताते हैं जी? वो बड़े बूढ़ों ने कहा है हाजमा मजबूत हो जावे। ओफो क्या क्या चीजें सोच के निकालते हैं ये लोग भी। बहन जी हमें पता ना, अब आपने समझा दी बात तो नहीं खान देने के, आप
चिंता मत ना करो। सच्ची बहन जी, नहीं खान देने की, आपकी कसम। देख रही है, कसम भी खा रहा है तेरा देवर, तू मेरी। सॉरी, अपने सर की कसम। कोई कसम असम की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना। आप चिंता मत ना करो जी, बस इसे सुई लगा दो। देखो जरा बच्चे को, इसे बुखार तो ना रहा पिछले 2-4 दिनों में? ना जी। हाँ जी बहन जी, होया हा। कब होया? तेरे भैया कोई होश ना रहवे, तुझे क्या पता होगा। बहन जी, पिछले हफ्ता छोटी ननद को बगल वाले केंद्र में लेके जाना पड़ा। 2 घंटे के लिए बच्ची को इसके भैया ने संभाला। आके देखा तो बदन तपरा बिचारी का। पूछा तो कहने लगे, बच्चों का बदन तो यूं ही गर्म रहवे, भला बताओ। फिर उल्टे पांव भगी केंद्र को। बच्ची को दिखाया तो पता चला 2 डिग्री बुखार है मेरी बच्ची को। उन्होंने खुराक दी तब जाके उतरा कहीं। कान में क्या डाले हो? कुछ नहीं, तीली आएगी माचिस की। क्यों, अंदर अंगीठी जलानी है क्या? बसंती, तेरा देवर तो बस तेरे आदमी से भी 2 हाथ आगे हैं। कान में तीन पे नहीं डालने चाहिए, जख्म हो सकता है। और अगर गले किसे पर्दे को चोट लग गई तो बस बहरे हो जाओगे। अच्छा अच्छा, जैसे तुम्हें ये बात मालूम ही नहीं थी। नहीं जी, पता तो ही। फिर यूं ही, सॉरी। फिर मत करना। आप चिंता मत करो बहन जी। भाभी बताना, बहन जी क्या पूछ रही है? बस ये 2 दिन में उतरगा बुखार, फिर ना हुआ। चलो कोई नहीं, कौशल्या डीपी टीका तैयार कर। पर इसे तो बुखार है, अभी कैसे लगा सके टीका? मैंने तुझे पहले भी बताया था ना, अब जरा ध्यान से सुन। बच्चे को सारे टीके सही वक्त पर लग जाने चाहिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि खतरनाक बीमारियों से बच्चों की रक्षा की जाए। बुखार का तो फिर भी इलाज हो सकता है, लेकिन अगर सही वक्त पर टीका नहीं लगा तो बच्चों को खतरा हो सकता है। समझ गई, चल टीका तैयार कर। बहन जी, दर्द तो ना होने का? दर्द तो होगा, 2-1 दिन रहेगा भी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होगा। आप चिंता मत ना करो जी। खुले पर नहीं, डीपीटी का टीका जान पर लगता है। देखिए, बस हो गया जी। यह टीका अभी 8-10 महीने में 2 बार और लगेगा। हाँ जी, वो पोलियो की खुराक की भी कही है। हाँ हाँ, कौशल्या पोलियो ड्रॉप चलाना। तुम इसकी भी अगले 8 महीने में 2 खुराकें और दी जाएंगी। आप चिंता मत ना करो जी। इतने दूर आने की कोई जरूरत नहीं, नजदीक वाले सेंटर पर चली जाना। लाओ कार्ड निकालो, भर दो। कार्ड? हाँ, वो तुम्हारा कार्ड जो था जिसमें इसकी पैदाइश पर BCG का टीका दर्ज किया था। वो तो है ना जी। नहीं है मतलब? आप चिंता मत ना करो, घर में होगा कहीं, जावेगा कहाँ। मतलब ये कि तुमने इसे ध्यान से नहीं रखा और वो खो गया? मैंने तुमसे कहा नहीं था संभाल के रखने के लिए? जी वो कौशल्या, एक कार्ड निकाल, अब की बार ध्यान से रखना। जब कोई टीका लगेगा या कोई खुराक दी जाएगी तो इसी में दर्ज होगी। हाँ, बच्ची का नाम क्या रखा है? उषा। उषा, और तुम्हारा ये मिस्टर चिंता मत ना करो जी का क्या नाम है? जी ना बताने की। ए, बोलना। मिस्टर प्रमोद राणा, आई सुरेश राणा। प्रमोद राणा,
कौशल्या, रजिस्टर में से देख के नंबर वगैरह भर ले और एक कागज में टीकों का पूरा कार्यक्रम लिख ले ताकि इसे वक्त पर टीका लगाना याद रहे। ला, मैं लिख लेता हूँ। बहन जी, और ससुराल में सब ठीक ठाक? लिखो, टीकों का कार्यक्रम। टीकों का क्रियाकर्म। ठीक है, लिखा है। टीकों का क्रियाकर्म। टीकों का क्रियाकर्म। क्रियाकर्म नहीं भले आदमी, कार्यक्रम। दिखाओ। टीकों भी गलत लिखा है, बड़ी ई की मात्रा लगेगी और ओ की मात्रा पर बिंदी लगेगी। हाँ, और कार्यक्रम ऐसे लिखते हैं, का रिया क्रा म। टीको का कार्यक्रम। बता रहा हूं प्यारी, बच्चे की पैदाइश पे कौन सा टीका लगे है? पैदाइश पे? हाँ, पैदाइश पे, हाँ, बीसीजी का। हाँ, जे टीका और कब कब लगे है? और जे तो ना बताया सुशीला ने। क्या ना बताया हैरी, क्या ना बताया? पीठ फिरते चुगली शुरू कर दे। अरे बीसीजी के टीके का कहाँ बताया तेने? अच्छा, खुद भूल गई और इल्जाम मेरे पे, बताया ना था पैदाइश पे लगे। अरे उसके बाद कब कब लगे ये तो ना बताया। हाँ जी, ना बताया मैंने। हे, मैं कैसे बता दूंगी? ये तो तुझे सुखी ही बतावेगी। अरे एक बार में तो सब क्यों नहीं बता देते? अरे नाराज मत ना हो, इसका टीका हो ही एक है। बीसीजी का? हाँ, बस पैदाइश पे ही लगे है जी। उसके बाद ना लगता? ना। अरे तो फिर तो मैंने ठीक ही कहा है। हाँ हाँ, कह तो दिया कि तेने ठीक बताया है, एक बेर में ही झंझट खत्म। अब तू जे बता कि जे कौन सी बीमारी के लिए होवे है। वो तो मुझे मालूम, तू बता। जे लग जाए तो बच्चे को तपेदी का खतरा ना रहता। हाँ, टीबी का टीका होवे है जे। सोने दे, अब तू बता, 6 हफ्ते की उम्र में कौन सा टीका लगे है? डिप्टी का। अरे डिप्टी का ना, डीपीटी का। और जे कौन सी बीमारियों के लिए होवे है जे बता। काली खांसी, गलघोटू और टिटनस। शाबाश, और भी कोई दवा देवे है इस उम्र में? वो देवे है ना पोलिया की पहली खुराक। याद है गया। पोलिया नहीं, पोलियो। गीता तू बता, 3 महीना से 1 साल तक की उम्र में क्या देवे हैं बच्चे को? वो 6 हफ्ता वाली देवे, 2-2 बार। अरे ऐसे ना, नाम बता टीके और खुराक का। बता तो दे सोना दही ने। अरे मैं तेरे मुंह से सुनना चाहूं। अरे जे तो सुशीला से भी ज्यादा दिक्कत है, इसे किसने बना दिया उस्तानी? सुन रही हूँ गीता, सब सुन रही हूँ मैं। अब ज्यादा दांत मत ना काटे, जो पूछा गया उसका जवाब दे। अच्छा सुन, 3 महीना से 1 साल की उम्र में बालक को डीपीटी के 2 टीके और पोलियो की 2 खुराक देवे हैं, इससे बालक को काली खांसी, गलघोटू और टिटनेस का खतरा ना रहता और बालक पोलियो से भी बचा रहे है। बोल, एक बार और दोहरा दूं? बस बस, जे मखोल की बात ना है, तू जे बता कि पोलियो होवे क्या है? अरे वो ही ना, जिसमें बालक की टांगे सूख जावे, अंग की ताकत चली जावे, जैसे लकवा सा मार गया हो। ठीक कह रही है ना कौशल्या? हाँ ठीक है, पर पोलियो हाथों में भी है सके और अगर छाती में हो जाए तो बच्चा बचे ही ना। यानी पोलियो की खुराक देने में इतनी सी भी लापरवाही ना होवे। राम प्यारी, 9 महीने से 1.25 साल की उम्र में कौन सा टीका लगे है? उससे तो कुछ पूछ ही ना रही है, अब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। ए,
तेरे से दोबारा पूछ लिया तो क्या है गया, जीभ घिस जाएगी तेरी। मेरी जीभ को तो कुछ ना होता, इन छोकरियों से ना पूछेगी तो मुंह में पड़ी पड़ी इनकी जीभ मोटी हो जाएगी। पूछ, मूर्ति से पूछ। अच्छा बाबा तू ही बता, बड़ी उतावली हो रही है। खसरा का। अरे क्या खसरा का? टीका। अरे पूरी तरह बता ना, जे क्या तरीका हुआ, फूट दिया खसरा का टीका? किस उम्र में लगे है ठीक से बता। 9 महीना से 1.25 साल की उम्र में लगे है खसरा का टीका। हाँ, 9 महीने से 1.25 साल की उम्र में लगे है खसरा का टीका। बस खुश या और पूछो कुछ? पूछ ले, मैं कोई डरूंगा? अरे इस बड़बोली से भी तो पूछ, पता तो चले उषा बहन जी से कुछ सीखे भी है। ये यूं ही मक्खी मारती रहे। ना कुछ ना सीखती, तूने जो इतना कुछ सीख लिया ना, मेरे सीखने को कुछ छोड़ा ही ना। अरे ये तो पूरी डॉक्टरानी है गई है, क्या खटाखट समझावे है सबको। ए अब की जब तेरे अगला बच्चा होगा ना तो यही करावेगी, सारे टीके लगवावेगी, देख लीजिए। बेहया ना हो तो। और ये बस भी करे ना, तू तो हर वक्त ही मखमल करती रह रही है, बस चुप हो जा। कौशल्या तू बता, 1.5 साल से 2 साल की उम्र तक क्या क्या देवे हैं? डीपी टीका, चौथा टीका और पोलियो की चौथी खुराक। बस एकदम सही, डीपी टीका चौथा टीका और पोलियो की चौथी खुराक है गई तसल्ली। आपकी जब बच्चा डरे तो बेधड़ा किसी के पास जाइयो। ये गीता तू ना मानेगी, बस चुप है जा। अच्छा जे तो सब है गया पूरा, अब इतना सब याद रहेगा। हमें क्या पड़ी है जे सब याद रखने की, हमारे बच्चे तो बड़े हो लिए। जे बात मत ना कह सोनोदी, कितने साल का है तेरा मुन्ना? 2.5 साल का ना, और टीके तो लगे हैं 16 साल की उम्र तक। 5 साल की उम्र में तेरे मुन्ने को 2 टीके लगेंगे और 10 साल की उम्र में फिर 1 लगेगा और आखिरी टीका लगेगा 16 साल की उम्र में। पर जी मैंने इतने दूर की ना बताई, टीकों और खुराकों का सही टाइम होवे है जिसपे लग जाने चाहिए। और अब तो हमारे गांव में सेंटर है गया है, बहन जी से पूछ लो कि जी ये टीका तो लग गया और अगला आप कब लगेगा, और जब अगली भूल जाओ तो अगले की पूछ लो। बस ये मतबल है मेरा तो। 1 मिनट सुखिया, 1 मिनट। ये सारा प्रोग्राम तो इनकी कापियों पर उतरवा दे। कापी में उतारने की क्या जरूरत है? देख सुना दे, ये प्रोग्राम तो 2 साल की उम्र के टीकों और दवाइयों का प्रोग्राम है, ये तो बहुत जरूरी है, ये याद भी रहना चाहिए। पर जो लिखा रहेगा तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी तो बता सको तुम, और फिर कल को पोते पोतियों की काम आवेगा, फिर कल ये लड़कियां भी तो बड़ी होंगी, इन्हें भी तो याद रहना चाहिए। ठीक है उतारे ही सगरी। लेकिन मौसी आज तुम 25वें पार्ट की लिखाई करनी थी। तो ठीक है पहले वो कर लो, बाद में प्रोग्राम उतार लेना। ये कौशल्या तू अब संभाल ले रही। श श श श श श श न न। अरे जे कैसे बोल रही है? न न क्यों, ठीक तो बोल रही हूँ? ऐसे नहीं सुन, हड़ा 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 न ना? हाँ अब ठीक है ना? 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 Thank you.
के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़े के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो बढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की।